आज मैं आपको एक एनिमल किंगडम की मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। आजकल जो है हार्ट अटैक की समस्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे युवाओं में भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो जो एंजाइनिया पेक्टोरिस का पेन जो है हार्ट अटैक के दौरान जो पेन होता है, और कई बार सारबिटोल वगैरह जो ड्रग्स हैं वो भी उसमें काम अच्छे से नहीं कर पाते, तो उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन एनिमल किंगडम की, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं वाईके गुप्ता आपके यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिसन है ये, एक स्पाइडर रेमेडी है। जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस का पेन होता है या हार्ट अटैक का पेन होता है, तो एकदम से अचानक इतना पेन होता है कि कई बार सोरबिटोल भी दे दी जैसे वो भी काम नहीं करती। और इस कंडीशन में, मतलब इमरजेंसी कंडीशन है, हॉस्पिटल में तो ले जाना पड़ता है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में भी कई बार ले जाना पड़ता है। तो उस दौरान जो पेन होता है, बहुत सीवियर पेन जो होता है, उसके लिए जो है जब तक हम हॉस्पिटल वगैरह की मतलब उपलब्ध नहीं हो पाता बढ़िया सा कोई, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, इस दौरान जो गैप रहता है उसके लिए जैसे सोरबिटोल भी हमने दे दिया लेकिन दर्द में कुछ खास फ़ायदा नहीं मिला। और फिर एकोनाइट भी एक बड़ी फेमस दवा है इसके लिए, एकोनाइट को ही बताते हैं, तो एकोनाइट भी दे दिया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये जो मेडिसन है एक स्पाइडर रेमेडी है। स्पाइडर जो है एक बनता है जिसको हम ब्लैक विडो स्पाइडर बोलते हैं। इसको ब्लैक विडो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इनकी मेटिंग होती है स्पाइडर की, मेल फीमेल की, और जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो फीमेल जो है वो बेसिकली ब्लैक कलर की रहती है और ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स रहती हैं उसकी बैली पर, एब्डोमन पर। तो प्रेग्नेंट होने के बाद में जो मेल पार्टनर को खा जाती है, तो इसी के कारण हम इसको ब्लैक विडो स्पाइडर बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है हार्ट पेन के लिए, एंजाइना पेक्टोरिस के लिए। खासियत ये है कि जो हार्ट का जो पेन है एंजाइना के अंदर जो है, जब एक पेशेंट दर्द में बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाना होता है क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो यहाँ पर डीप पेन, बड़ा गहरा पेन रहता है लेफ़्ट छाती से और ये पूरा आपका आर्म तक जाता है, पूरे हाथ की उंगलियों तक जाता है, ये इसकी खासियत है। रेस्टलेसनेस रहती है पेशेंट को जो है, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है और कई बार उल्टी नौसिया की फीलिंग लगती है बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और ऐसा लगता है मतलब पेशेंट को मैं बिल्कुल अभी मरने वाला हूँ। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोडेक्टस मैक्टॉन्स, मेडिसिन का नाम है इलेक्ट्रोडेक्टस मैक्टॉन्स, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नाम लिख दूँगा, इलेक्ट्रोडेक्टस मैक्टॉन्स स्पाइडर रेमेडी जो है 1 ml में जो है आप 10-15 मिनट में इसको रिपीट करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है, उसको भी दबाइए। तो एंजाइना का जो पेन है दर्द के साथ जो है, इसमें इलेक्ट्रोडक्टस में क्या है, भारीपन रहता है, नमनेस रहता है, छाती का जो एरिया है उसमें जो है बहुत ज़्यादा जकड़न रहती है और फिंगर तक ये पेन जाता है। हालांकि लेकेसिस में भी पेन होता है, लेकेसिस का पेन जो है सेंटर से जो है चेस्ट की, छाती की, और वो जो है एल्बो तक जाता है, लेफ़्ट एल्बो तक जाता है। और फिर इलेक्ट्रोडक्टस मैक में क्या होता है कि इसमें जो है पूरी उंगलियों तक पेन जाता है। कैक्टस का भी पेन जो है पूरी छाती में बहुत तेज़ दर्द होता है, घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है, हार्ट को ऐसा लगता है किसी ने जकड़ लिया हो इस तरीके से, तो इस तरह का कैक्टस का पेन होता है। क्रेटेगस में भी पेन होता है, क्रेटेगस का क्या है, चेस्ट से पीछे की तरफ को पेन जाता है। क्रेटेगस भी बड़ी एक फेमस दवाई है हार्ट के लिए। इलेक्ट्रोडक्टस मैक्टॉन्स में क्या है, नमनेस बहुत ज़्यादा रहती है, क्रेटेगस में जो है नमनेस देखने को नहीं मिलती। और फिर एक मेडिसिन है मैंगोनीलिया ग्रैंडिफोला फ्लोरिया, ये इसलिए होते कि हार्ट में जो है इन्फेक्शन अगर आ जाता है, क्या होता है कि इनर लेयर होती है एक हार्ट की जिसको हम एनोकार्डियम बोलते हैं और बाहरी सतह होती है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, तो इसी के अंदर जो है एक झिल्ली होती है जिसके अंदर में हार्ट रहता है, अगर उसमें स्वेलिंग आ जाए तो एक तरह का कंटिन्यूस पेन आपको रहता है जिसको बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस और पेरोकार्डाइटिस।
तो कंटिन्यूस पेन अगर हार्ट में बना रहता है, और ये पेन जो है हार्ट और पेट के बिल्कुल बीच में ऊपर की तरफ होता है, तो इसमें जो है मैग्नोलिया ग्रैंडिफोलर बहुत अच्छा काम करती है। मैग्नोलिया ग्रैंडिफोलर भी एक अच्छी मेडिसिन है इसके लिए। फिर एक और मेडिसिन है हेमोटॉक्सिन करके, इसमें क्या होता है ऐसा लगता है पूरी छाती को रबर बैंड से बांध रखा हो, तो हेमोटॉक्सिन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। लेकिन लेट्रोडक्टस जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, जहाँ पर सोर्बिटेल वगैरह भी आपकी काम नहीं कर रही है, एकोनाइट वगैरह काम नहीं कर रही है, और बहुत सीवियर पेन है जो कि पूरी उंगलियों तक जाता है। अक्सर इसी तरह का पेन हार्ट अटैक के दौरान देखने को मिलता है, तो ये मेडिसिन आप अपने पास ज़रूर रखें जो भी हार्ट के पेशेंट हों। अगर लेट्रोडक्टस मैक्टांस 1 mg में आप इसको 15 मिनट में 3-4 बार दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पेन में इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये इमरजेंसी कंडीशन है, आपको हॉस्पिटल में पास में जो भी आपके हॉस्पिटल हो वहाँ पर जाके जाँच वगैरह करानी और दिखाना है। मेडिसिन सिर्फ दर्द को कम करने के लिए है, और अगर आपको ब्लॉकेज वगैरह कुछ भी निकलती है तो उसके लिए फिर अलग मेडिसिन है, जैसे एडल का आपका डाइकार्ड आती है और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी हैं। तो सिर्फ पेन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए। तो दोस्तों हमारे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।